लोकसभा चुनाव में बहुत कम दिन अब बाकी रह गए हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। केरल में भी प्रचार तेजी से चल रहा है और केरल की तिरुवनंतपुरम सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की टक्कर कांग्रेस के मौजूदा सांसद और नेता शशि थरूर से है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया है कि केरल में बीजेपी का खाता खुलने वाला है और कांग्रेस पीएफआई के सहारे चुनाव लड़ रही है। समय तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर हैं और हमारे साथ राजीव चंद्रशेखर जी हैं जो लगातार घूम घूम कर लोगों से मुलाकात कर। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, देखिए, यहाँ पे 15 साल से कुछ हुआ नहीं है। एक एमपी बैठे हुए हैं यहाँ 15 साल से, कुछ कर नहीं रहे थे और कुछ हुआ भी नहीं है। और आप देख रहे हैं लोगों के जीवन में इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका किसी ने कोई उसका सुलझाने का ना तो कोई इंतज़ाम किया है या ना तो कोई एफर्ट लिया है। तो हर घर में जो जाता हूँ, हर सेगमेंट में लोगों के इतने मुश्किलें हैं। तो ये 15 साल में तिरुवनंतपुरम और केरल एक जैसे वो फ्रीज हो गया था वहाँ और एक ब्रेक लग गया था वहाँ पे। और भारत जब आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लोग प्रश्न यही पूछ रहे हैं कि हमें भी क्यों नहीं, हमारे राइट्स भी क्यों नहीं है कि हमें भी घर में पानी मिले, हमें भी अच्छा घर मिले, हमें भी नौकरी मिले, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स, हमारे बच्चों को भी स्किल्स मिले। तो ये जो बेसिक नीड्स जो हैं 15-20 साल से यहाँ पर इग्नोर किया गया था। राजीव जी, मैंने देखा जो कि पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लोज मार्जिन से हारी, तो क्या माने कि इस चुनाव में वो जो क्लोज मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा फोरकास्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आया था इलेक्शन बैटल लड़ने के लिए, लेकिन 10-20 दिन घूमते लोगों के परेशानियों को देखकर मेरे लिए ये एक मिशन बन गया है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को 10-20-15 साल से ऐसा एक ठोकर खाकर ऐसा जीवन बिताना, उसमें हम कुछ बदलाव लाएंगे, लाना चाहिए। उस मिशन पे मैं ये मेरे लिए अभी इलेक्शन नहीं रहा, ये मेरे लिए एक मिशन हो गया है। राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे लोकसभा चुनाव में जो अपना सबसे ज्यादा फोकस है वो साउथ में रखा है, तमिलनाडु, केरल, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्या लगता है केरल की जो 20 सीटें हैं उनमें बहुत ज्यादा उनका फोकस भी है, लगातार विजिट भी हो रही है? नहीं, मोदी जी का ये कहना है कि बहुत सालों से यहाँ पर लोगों को झूठे वादे एक हाथ में और दूसरे झूठी राजनीति घुसाकर लोगों में एक भ्रम बना दिया गया था कि बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, बीजेपी ये है वो है। उसको बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं बदलेगा लोगों तक विकास नहीं पहुंचेगा। ये बात मान लें कि इस बार केरल और तमिलनाडु में भी भाजपा का खाता खुलने वाला है? जरूर खुलेगा, बहुत मुझे एकदम यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है, सभी तमिलनाडु के लोग भी चाहते हैं, केरल के लोग भी चाहते हैं, तेलंगाना के लोग भी चाहते हैं, कर्नाटक के लोग भी चाहते हैं, आंध्रा के लोग भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए का आशा नहीं देखता है। हाँ, ये हो सकता है कि कांग्रेस वाले ऐसे नहीं सोचें, लेकिन हर आम जो व्यक्ति है यही चाहता है कि उनके जीवन में बदलाव आए और हमारा देश तरक्की करे। साउथ इंडिया में इस बार इस इलेक्शन में भाजपा उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कर्नाटक जो हमारा गढ़ रहा है वहाँ पर हमारा वोट कंसोलिडेट होकर बहुत बहुत सॉलिड वोट होगा। कांग्रेस का जो एक साल का राजनीति उन्होंने किया है अपीजमेंट का और करप्शन का, लोग जान चुके हैं कि ये कितनी मुसीबत वाली पार्टी है, हर व्यक्ति जान चुका है। और मुझे कोई दो राय नहीं है और मुझे कोई डाउट नहीं है कि
इस इलेक्शंस में बहुत ही एक डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा भाजपा को साउथ इंडिया से। सीधी टक्कर किससे मानते हैं, कांग्रेस से या जो है यूडीएफ से? थ्री वे फाइट है, तीनों के तीन कैंडिडेट्स हैं, तीनों के तीन पार्टियां हैं। त्रिकोण जो हम मलयालम में कहते हैं त्रिकोण मलसरम, इट इज अ थ्री वे फाइट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के वोटर्स बदलाव के लिए वोट। देखिए, सभी देश के सभी लोग जानते हैं कि जून 4 को जब रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो यहाँ के कैंडिडेट शशि थरूर ने भी मान लिया है और कोई ऐसा कोई कांग्रेसी भी नहीं है जो नहीं मानता है। लेकिन कांग्रेस का जो नीति है, कांग्रेस का जो राजनीति है, एकदम केरल में भी और तिरुवनंतपुरम में भी देखने को बहुत साफ मिल रहा है कि वो अपने बारे में उन्होंने हमने जो किया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जो लोगों के लिए किया है पिछले 65 साल में, उसके बारे में एक भी उनका टिप्पणी या कोई एग्जाम्पल वो नहीं देंगे। उनका पूरा जो राजनीति है, पूरा कैंपेन है झूठ बोल के भागने का। धन्यवाद सर हमसे बात करने के, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव चंद्रशेखर जी हैं, तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के उम्मीदवार हैं और कंटिन्यू सुबह से एक के बाद एक 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 जगह से दूसरे जगह अपना कैंपेन कर रहे हैं। साफ मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और केरल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने वाला है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, वी न्यूज़, तिरुवनंतपुरम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।